लैंडिंग में जो हगा है ना पायलट ने, मतलब पूरे जोर लगा के हगा है। यार मैं नया नया हूँ, मेरी इतनी भी गंदी नहीं होती। फिर भी क्या है कि प्लान हो गया अब चेंज। हम जा रहे हैं पोर्टलैंड इंस्टेड ऑफ एलए, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया था। बोला कि क्या कर रहा है, मैं बोला फ्री हो, तो बोला आ जा डिनर करते हैं साथ में। सो पोर्टलैंड इट इज। वैसे तो मैं बहुत यूजुअली रेगुलर कपड़े में ही घूमता हूँ, बट आजकल अभी जब से लास्ट 3-4 महीने से एयरपोर्ट पे ज़्यादा जाना आना जाना हो चुका है, फिर बिजनेस कैजुअल में ही चलता हूँ, क्योंकि अभी वहाँ पे जॉब है। एंड जब तुम कोई कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो, देन यू हैव टू फॉलो सर्टेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, और यू नो उनकी भी रेपुटेशन है, अपनी भी रेपुटेशन है। इसलिए ऐसे सज धज के प्रॉपर इस्त्री टाइट कपड़े पहन के एयरपोर्ट जाता हूँ हमेशा, इवन कैजुअल ट्रैवल के लिए भी, क्योंकि मैं यूजुअली बेनिफिट्स यूज़ करके ट्रैवल करता हूँ, तो उसमें भी कंपनी के थ्रू बेनिफिट्स मिलते हैं। सो मैं ट्राई करता हूँ कि हमेशा रिस्पेक्ट करूँ अटायर की। कोई कंपलसरी नहीं है, बिजनेस कैजुअल चाहिए, बट यू नो है कपड़े तो क्यों नहीं। पहुंच गया एयरपोर्ट, लिस्ट भी कर दी, खाना भी ले लिया, अब गेट पे जाके बैठूंगा मस्त। मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि चाहे कहीं भी हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, लोग जब जल्दी में होते हैं ना तो सेम बिहेव करते हैं हर जगह। ये स्टारबक्स हर जगह है यार, और लोग पीते भी है, पता नहीं इतनी महंगी महंगी कॉफी पीने में क्या मजा आ रहा है। ओ अल्फा 3 गेट उस तरफ। अभी फ्लाइट को 2 घंटे हैं, अभी तो फ्लाइट लिस्ट भी नहीं हुई। कोई बात नहीं, एक लॉन्ज है यहाँ पे जिसका एक्सेस है, देखते हैं कि खुला है कि नहीं। तो पहुंच गए स्पोकेन, जंप सीट में बैठ के आया। जंप सीट क्या होता है? जंप सीट होता है तुम कॉकपिट में बैठ के आ सकते हो, कॉकपिट में एक्स्ट्रा सीट्स होती है जिसमें बैठ के तुम आ सकते हो। सो मुझे रेगुलर सीट भी मिल रही थी, बट अगर तुम कॉकपिट में बैठ के आ सकते हो तो क्यों नहीं, इतनी कंफर्टेबल सीट नहीं होती है, बट 1 घंटे की फ्लाइट थी। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस। वैसे भी फ्लाई करने की जगह पीछे बैठ के काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो मगर लैंडिंग में जो हगा है ना पायलट ने, मतलब पूरे जोर लगा के हगा है। यार मैं नया नया हूँ, मेरी इतनी भी गंदी नहीं होती। फिर भी ये देखो मेरे ऊपर दिख रहा है, जब देखो तब कोई ना, हर कोई एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। तुम मुझे US में एक एयरपोर्ट दिखा दो जो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये देखो ऊपर, वापसी मज़ा आया।
दोस्त बनाने में बहुत मज़ा आता है मुझे आजकल। बहुत टाइम से मैं बहुत ही सिंगुलर लाइफ जीता था ताकि मैं काम पे फोकस कर सकूँ और ज़्यादा कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, ज़्यादा बाहर जाना नहीं एक्सेट्रा। सो अभी अच्छे दोस्त बने, अच्छे लोग मिले। तो क्या है कि प्लान हो गया है चेंज, एलए की जगह जा रहे हैं पोर्टलैंड, क्योंकि मेरे